चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास जो हम लोग की चल रही थी वो चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की चौथी क्लास होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, अगर आप क्लास 6 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी जो क्लास चलेगी वो सैनिक स्कूल गुरु की ऐप पे चलेगी, तो आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे जब आप आएंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे वीडियो लेक्चर जो आपको डेली पढ़ाए जाते हैं और एक्सरसाइज जिसमें आपका टेस्ट होगा, तो यहाँ पे आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई आपको दिक्कत है तो यहाँ पे स्टूडेंट केयर का नंबर दिया हुआ, यहाँ से आप बात कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ गया कि ए अनुपात बी, यानी ए इज टू बी इक्वल्स टू 3:5, यानी ए अनुपात बी आपका दिया हुआ है 3:5। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:5। बी इज टू सी, यानी बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:7। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात सी, सबसे पहले ध्यान से समझिए, ए अनुपात बी को हम लोग लिखते हैं ए बटे में बी, और इसकी वैल्यू दी हुई है 3:5। क्या दी हुई है? 3:5। इसको नीचे लिखेंगे यार, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:5। देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू मैंने नीचे लिख दी। ए अनुपात बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5, और एक दिया हुआ है बी इज टू सी। ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है बी इज टू सी, यानी बी अनुपात सी। तो इसको क्या लिखेंगे? बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:7, यानी 4:7, यानी 4/7। अब आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात सी, यानी ए बटे में सी का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दी हुई है, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूंगा, इन दोनों अनुपातों को आपस में गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि बी से बी कट गया, बी से बी क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा? ए पटे में सी, और इसी को तो हम लोग खोज रहे हैं कि ए अनुपात सी क्या होगा। तो उसी तरह इन दोनों अनुपातों का हम लोग नीचे गुणा कर देंगे, तो आपका अनुपात जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए अनुपात सी का, यानी ए बटे में सी। तो देखिए, नीचे जब हम गुणा करेंगे तो ये जो है आपका क्वेश्चन कट नहीं रहा है, तो सीधे सीधे ऊपर में ऊपर गुणा कर देंगे। तो 3 में 4 से गुणा करोगे तो ये 12 आएगा, नीचे आपका 35 आएगा। तो ये कटने के बाद जो अनुपात आएगा वो आएगा 12:35, यानी 12:35, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। एक और क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आएगा। देखिए, ए अनुपात बी, ए बटे बी, ये आपका दिया हुआ है 3:5, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। और दूसरा अनुपात दिया हुआ है बी इज टू सी, यानी बी बटे में सी, वो दिया हुआ है 6:9, यानी 6:9। तो दोनों को गुणा करोगे तो बी से बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए बटे में सी। तो इसी तरह इन दोनों को भी गुणा कर देंगे। देखिए, तो 3 से 9 कट गया आपका 3 बार में, और 3 से 6 कट गया 2 बार में। तो ये कटने के बाद आ गया 2/5। तो ये किसका मान है? ए बटे सी का मान है 2/5, यानी ए इज टू सी, ए अनुपात सी जो होगा वो होगा 2:5, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका डी सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। क्वेश्चन 3 देखिए, इफ 2a = 3b। यहाँ पे देखो ध्यान से, सारे क्वेश्चन को जब कॉपी पे सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन को वीडियो रोक के पहले कॉपी पे नोट करो, नोट करने के बाद कोशिश करो, कोशिश करने के बाद नहीं होता है तो फिर देखा करो। देखिए, 2a = 3b, तो यहां से हम इसको लिखेंगे, a और b को एक साथ लिखेंगे, तो b को नीचे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा a/b = 3/2, यानी a बटे में b, यानी a अनुपात b जो होगा वो होगा 3:2। और देखिए, दूसरा दिया हुआ है 4b = 5c, तो इसको क्या लिखोगे? b बटे में c बराबर 5/4। इस c को b के नीचे कर देंगे और इस 4 को 5 के नीचे कर देंगे, तो ये हो गया। अब आपका a अनुपात b दिया हुआ है 3:2, और b अनुपात c दिया हुआ है 5:4, और आपसे क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? a अनुपात c पूछेगा, और क्या पूछेगा? तो सीधा सीधी देखो, मैं कटा देता हूं, 2 से ये 3/2 हो गया और ये 5/4 हो गया। कोई भी संख्या कट नहीं रही है, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, और नीचे 2 में 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8, यानी a अनुपात c जो आएगा वो आएगा 15:8, यानी 15:8, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a = 2:3, ए बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का अनुपात 3:4 है, सी डी का अनुपात 4:5 है। तो ए डी का पूछ रहा है, देखो मेरे दोस्त,
इसको सबसे पहले लिखेंगे समझेंगे। तो a बटे b का अनुपात दिया हुआ है 2:3, b अनुपात c यानी b बटे में c वो आपका दिया हुआ है 3:4, और एक और अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, c अनुपात d जो आपका दिया हुआ है 4:5, और आपसे पूछ रहा है a बटे में d का मान, यानी a अनुपात d, a इस टू d का मान पूछेगा, क्या पूछेगा, a इस टू d का मान पूछेगा कि भैया क्या होगा। तो देखिए यहां पे जब हम गुणा करेंगे इन तीनों का तो क्या मिलेगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, देखो a बचा और नीचे d बचा, यही तो हम खोज रहे हैं ना a बटे d का, तो चुपचाप तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, बाकी देखो ये 3 में 2 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, नीचे 3 में और 5 से गुणा करोगे तो 15 आएगा। अब इस 6 और 15 को 3 से ऊपर नीचे कटा देंगे, तो 3 से कटाएंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 5, यानी a is to d equals to 2:5, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, 2 समंदे 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3, सी अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5, सी अनुपात डी दिया हुआ है 6:6, से आपसे पूछ रहा है ए अनुपात डी, तो चुपचाप क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर देंगे, 2/3 × 4/5 × 6/7, बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखो जो कट रहा है कटा देंगे, 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, बाकी मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है कि कटेगा, तो 2 में 4 से गुणा करोगे तो 8 आएगा, 8 में 2 से गुणा करोगे ऊपर 16 आ गया, नीचे 5 में 7 से गुणा करोगे 35 आएगा, इसको क्या लिखोगे, 16:35, क्या लिखोगे, 16:35, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सी सही हो जाएगा, 16:35। क्वेश्चन 6 देखिए, ये क्वेश्चन आ गया कि ए अनुपात बी जो दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 9:10 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी की वैल्यू दी हुई है 5:6 और बी सी की वैल्यू दी हुई है 9:10, और आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो सीधा सीधी देखो यहाँ पे 6 से गुणा कर देना और यहाँ पे 9 से गुणा कर देना, ये 6 है तो यहाँ 6 लिख देना, ये 9 है तो यहाँ 9 लिख देना। अब देखो गुणा कर देंगे तो 9 पे 5 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 45, 6 में 9 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 54, और 6 में 10 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 60, तो ये अनुपात बनेगा 45:54:60। इसमें कॉमन है तो इसको निकाल लेंगे, देखिए 3 से ये कट रहा है तो इसको कटा देंगे, ये 15 बार में कटेगा, 45 15 बार में कटेगा, 54 18 बार में कटेगा, 60 जो है 20 बार में कटेगा, सारे को 3 से कटा देंगे तो ये निकल जाएगा 15:18:20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे आपको समझ में आएगा, ए अनुपात बी, यहाँ पे सबसे पहले लिखना ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों बातें लिख देना। अब देखिए ए अनुपात बी, ए के नीचे लिखना 5, बी के नीचे लिखना 7, अब बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:11, तो यहाँ पे लिखना 6:11, अब यहाँ पे लिखना सीधे 7 है तो 7 लिख देना, ये 6 है तो यहाँ 6 लिख देना, बाकी तीनों को आपस में गुणा कर दोगे तुम्हारा अनुपात निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो ये आपका अनुपात निकल जाएगा, 5 में 6 से गुणा करोगे 30 निकल के आएगा, 7 में 6 से गुणा करोगे 42 निकल के आएगा, और 7 में 11 से गुणा करोगे 77 निकल के आएगा, तो 30 42 77 ऑप्शन बी में दिखाई देता होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 8 देखिए, पी अनुपात क्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8:15, क्यू अनुपात आर दिया हुआ है 3:3, 3:2, तो आपसे पूछ रहा है P:Q:R कितना होगा, यानी पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना होगा। तो 3 बातें हैं, पी क्यू और क्या लिखोगे, आर। अब देखिए पी अनुपात क्यू 8:15, क्यू अनुपात आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2, तो यहां पे लिखना 15, यहां पे लिखना 3, 8 में 3 से गुणा करोगे ये आएगा 24, 15 में 3 से गुणा करोगे 45, और 15 में 2 से गुणा करोगे 30। अब ये सारी संख्याएं 3 से कट रही है, ध्यान देना 3 से कट रही है, कटना नहीं चाहिए, अगर अगर आपका कॉमन फैक्टर है तो आप सबसे पहले कटाएंगे,
आंसर में कटना नहीं चाहिए, जो आपका फाइनल आंसर होगा उससे आपको किसी भी संख्या से कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर है कि नहीं है, अगर है तो उसको निकाल देंगे, तीन से कट रहा है तो इसको कटा देंगे। देखिए तो सारी संख्याएं तीन से कट रही है, तो ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 15 बार में, ये कटेगा 10 बार में, तो अब नहीं कटेगा, 8 15 10 ये आपका फाइनल उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ 2a इक्वल्स टू 3b, देखिए ध्यान से दो बातें हैं, 2a इक्वल्स टू 3b और 3b इक्वल्स टू 4c, तो दोनों को एक साथ लेंगे। देखिए तो 2a इक्वल्स टू 3b, तो यहां से आपको a अनुपात b मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, a अनुपात b, a और b, यहां से देखो a बटे में b कर देना और यहां से हो जाएगा 3 बटे में 2, तो यहां से जो अनुपात निकल के आएगा a अनुपात b जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 अनुपात 2। उसी तरह आप b और c से अनुपात निकालेंगे bc का, तो ये आपका देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा 3b इक्वल्स टू 4c, तो यहां से b अनुपात c निकलेगा 4:3, क्या निकलेगा, b अनुपात c जो निकलेगा वो निकलेगा 4:3। तो आपसे पूछ रहा है a b c का क्या हो जाएगा, a b c, तो यहां पे लिखेंगे 3 2 4 3, दो से गुणा करोगे इधर चार से गुणा करोगे, ये आ जाएगा 12 8 6, क्या आ जाएगा 12, देखिए यहां पे लिखता हूं, यहां पे देखिए 12 8 और ये 6। अब ये सारी संख्याएं दो से कट रही हैं, इस चीज को मैं हटा देता हूं, एक मिनट रुक जाओ, एक मैं हटाता हूं इसको, तो ये आपका बचेगा, देखिए इसको दो से कटाएंगे तो ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो ये अनुपात निकल के आएगा 6:4:3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है कि a बटे में 7 बराबर b बटे में 9, ध्यान से देखना, a बटे में 7 बराबर b बटे में 9, तो b को नीचे कर देंगे a बटे b, और 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7:9। इससे क्या निकल के आता है, इससे आपका निकल के आएगा कि a और b का जो अनुपात है वो आएगा 7:9, कितना आएगा 7:9। देखिए a और b का अनुपात, a और b का जो अनुपात आएगा वो निकल के आएगा 7:9। अब यहां से देखो bc से bc का निकाल लेंगे, तो ये दिया हुआ है b बटे में 9 बराबर c बटे में 11, तो यहां से bc का निकाल लोगे तो ये निकल के आएगा b बटे में c बराबर 9, कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 9:11। तो यहां से जब अनुपात निकालोगे तो निकल के आएगा b अनुपात c बराबर 9:11। अब इस बात को मैं हटाता हूं, इसका काम नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूं भाई। अब इस चीज को आप समझिए कि आपसे पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहां पे लिखेंगे 7:9:9:11, यहां पे 9 से गुणा करेंगे, यहां पे भी 9 से गुणा करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 7:9:63, क्या हो जाएगा 63, 9 में 9 से गुणा करोगे तो ये आएगा 81, और 9 में 11 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 99, तो ये आपका 99 आ गया। अब देखिए इसको हटाता हूं भाई, तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 9 कॉमन कर लेंगे, 9 में सबको कटा देंगे, तो ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 11 बार में, तो ये आएगा 7:9:11, कितना आएगा 7:9:11। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि a बराबर b बटे में 4, तो यहां से देखिए a बटे में b को नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा a बटे में b बराबर 1:4, तो यहां से अनुपात निकल के आएगा a अनुपात b बराबर 1:4, 1:4। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। आगे देखते हैं, देखिए b बराबर c बटे में 2, b बराबर c बटे में 2, तो यहां पे क्या करेंगे b बटे में c, तो ये हो जाएगा 1:2, क्या हो जाएगा 1:2, तो एक और अनुपात निकल के आएगा b अनुपात c जो आ गया वो निकल के आ गया 1:2। तो आपसे क्या पूछेगा a अनुपात b अनुपात c, क्या पूछेगा a अनुपात b अनुपात c, तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए
तो आपसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहां पे लिखेंगे एक चार और यहां पे लिखेंगे एक दो, इसको चार से गुणा करेंगे, इसको एक से गुणा करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा एक चार और ये हो जाएगा आठ, तो अनुपात बनेगा एक चार और आठ का अनुपात बनेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उम्मीद आपको समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है सात अनुपात नौ और बी अनुपात सी दिया हुआ है तीन अनुपात सात तीन अनुपात पांच, तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी दिया हुआ है सात अनुपात नौ और बी अनुपात सी आपका दिया हुआ है तीन अनुपात पांच, तो यहां पे दो बातें हैं, या तो इसको इसके साथ गुणा करो फिर इसको इसके साथ गुणा करो फिर इसके इसके साथ गुणा करो तो तुम्हारा आंसर आएगा, देखो तीन में सात से गुणा करोगे ऐसे समझ लीजिए तीन अनुपात पांच, तो सबसे पहले इसको इसमें गुणा करना होता है फिर इसको इसमें गुणा करना होता है फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुणा करना होता है, तो ये निकल के आएगा इक्कीस अनुपात सत्ताईस अनुपात पैंतालीस, इसमें तीन से कॉमन है तो देखो तीन से कटाओगे तो ये तुम्हारा कटेगा तीन सात इक्कीस सत्ताईस नौ बार में कटेगा ये पंद्रह बार में कटेगा, तो सात अनुपात नौ अनुपात पंद्रह, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरीका से कर सकते हो, या तो यहाँ पे नौ से गुणा कर देना यहाँ पे तीन से करना, तो फिर वैसे भी कर सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी इज टू क्यू इक्वल्स टू एट इज टू फिफ्टीन, यानी पी बटे में क्यू का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आठ बटे में पंद्रह, Q is to R equals to 5 is to 8, यानी Q बटे में R का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 बटे में 8, और यहाँ पे देखिए R is to S दिया हुआ है 4 is to 5, R upon S equals to 4 upon 5, अब आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भाई P is to S यानी P बटे S का मान बताओ, तो देखो ध्यान से यहाँ पे जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो Q से Q कट जाएगा R से R कट जाएगा क्या बचेगा P और S, तो इन तीनों चीजों को आपस में जब गुणा करोगे तो P और सात P और S का अनुपात निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा P इज टू S, देखिए तो इन तीनों चीजों को आप गुणा करेंगे तो यहां से आठ आठ कट जाएगा पांच से पंद्रह तीन बार में कटेगा, देखो क्या बच गया ऊपर चार बच गया और नीचे तीन पांचे पंद्रह बच गया, तो इसका जो अनुपात निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4:15 चार अनुपात पंद्रह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, If P is to Q equals to 7:5, then what is the value of 5P minus 2Q? ये रेशियो में दिया हुआ है 3P plus 2Q. देखिए तो यहाँ पे PQ की वैल्यू बस क्वेश्चन में पुट कर देने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखिए P की वैल्यू दी हुई है 7 और Q की वैल्यू दी हुई है 5, P का 7 और Q का 5, तो क्वेश्चन में लिखो 5P, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में कह रहा है 5p, तो p की जगह क्या रखेंगे 7 माइनस 2q, 2 और q की जगह क्या रखेंगे 5 इस 2 यानी अपॉन इसको बटे में लिख देंगे नीचे 3p प्लस 2q, तो 3 इंटू पी, पी कितना है 7 है माइनस 2 इंटू क्यू, क्यू कितना है 5 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पे ध्यान से देखिएगा 5 सात 35 35 माइनस 10 तो ये आपका आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, तो ऊपर जब माइनस करोगे तो ये 25 निकल के आएगा, नीचे देखिए 3 सात 21 और ये 10, तो 21 में से 10 घटाओगे तो क्या निकल के आएगा 21 माइनस 10, तो ये निकल के आएगा 11, तो इसका अनुपात आएगा 25, सॉरी ये प्लस है ना क्वेश्चन में, देखिए ये प्लस है इसको जोड़ेंगे क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये 21 और ये आपका एक मिनट रुक जाओ, ऊपर 25 आ गया नीचे 21 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 31 निकल के आएगा 25 अनुपात 31 ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि P इज टू Q इज टू R जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3:4, यानी P अनुपात Q अनुपात R बराबर 2:3:4 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि P बटे में Q संबंध है Q बटे में R संबंध है R संबंध में P की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे पी क्यू आर का वैल्यू रख दो, देखो यहाँ पे पी की जगह पी अपॉन क्यू की जगह क्या लिखेंगे 2:3 अनुपात Q बटे में R, Q की वैल्यू कितनी है 3 है R की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा 3:4 अनुपात R बटे में P, तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 और P की वैल्यू हो जाएगी 2, तो
तो अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे? जब भिन्न में अनुपात होता है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले क्या लेते हैं एलसीएम। तो जब 3, 4, 2 का एलसीएम लोगे तो ये निकल के आएगा बाबू 12। क्या निकल के आएगा? 12। अब सारे अनुपात में 12 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए 2/3 गुणे 12 करोगे तो ये कटेगा 4 बार में, 4 में 2 से गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 8। उसी तरह 3/4 में जब 12 से गुणा करोगे तो ये कटेगा 3 बार में, 3 में 3 से गुणा करोगे 9 निकल के आएगा। यहाँ पे जब 12 में गुणा करोगे तो ये 6 निकल के आएगा, 4 में 6 से गुणा करोगे तो 24 निकल के आएगा। तो ये अनुपात बनेगा 8:9:24। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जब भी भिन्न में अनुपात हो, आपसे अनुपात पूछ दे, तो आप एलसीएम से गुणा करेंगे सारे में। अब देखिए व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट जब भी बोले, डुप्लीकेट शब्द, तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है कि 2:7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो जब भी डुप्लीकेट रेशियो बोले तो आप सीधे स्क्वायर कर देना, तो ये 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, 4:49। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर कर देना, अनुपात का स्क्वायर कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि सब डुप्लीकेट, यहां पे सब शब्द जोड़ दिया, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:64, तो सब डुप्लीकेट में आप उसका उल्टा कर दोगे, स्क्वायर रूट निकाल दोगे, तो 81:64 का आपसे पूछ रहा है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9:8। क्या आ जाएगा? 9:8। तो ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। तो जब डुप्लीकेट बोले तो स्क्वायर लगा दे, स्क्वायर निकाल लेना, और जब सब डुप्लीकेट बोले तो आप क्या निकाल लोगे, स्क्वायर रूट निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:5, 7 और 5 का ट्रिप्लीकेट, तो इसका क्यूब निकाल दोगे, क्या करोगे क्यूब, 7×7×7 अनुपात 5×5×5, तो ये तुम्हारा निकल क्या आएगा 343:25:25। तो ये निकल क्या आएगा अनुपात 343:25। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फाइंड द सब, यहाँ पे सब सब जोड़ दिया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:5:7:9। तो 125 और 729 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आप क्यूब रूट निकाल देंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो 125 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 5, क्या निकल के आएगा 5, और 729 का जब आप निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 9। तो ये अनुपात आएगा 5:9 का, क्या निकल के आएगा 5:9 जो होगा वो दोनों तरफ आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। तो जब आपसे केवल ट्रिप्लीकेट बोले, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था ट्रिप्लीकेट, तो आपको क्या निकालना है, इन दोनों का आपको क्यूब निकालना है, और सब लगा दे तो इसका क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है क्यूब रूट, यानी घनमूल निकालेंगे, उम्मीद आपको समझ में आता होगा। What will be the inverse ratio of 3:4? 3/4 का inverse ratio क्या होगा? इसको हम लोग कभी कभी inverse ratio को आप बोल सकते हैं, reciprocal ratio भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। तो inverse ratio और reciprocal में क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम चीज होता है, 3:4। तो 3:4 का इनवर्स रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 1/3 और ये आ जाएगा 1/4, तो ये इनवर्स हो गया। अब मैंने बताया था तुमको कि जब भी भिन्न में रेशियो हो, अगर आपको रेशियो निकालना हो तो दोनों तरफ एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें जब गुणा करोगे 1/3 में और 1/4 में, किससे, तो एलसीएम से, किसके एलसीएम से, 3, 4 के, तो एलसीएम निकल के आएगा तुम्हारा 12। कितना निकल के आएगा 12। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12, जब इसमें 12 से गुणा करोगे और इसमें भी 12 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4:3 इसका आंसर होगा, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। उसी तरह पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 5:7, 1/5:1/7, इन दोनों का एलसीएम निकल के आएगा 35, इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा 35, दोनों तरफ 35 से गुणा कर दो। जब दो संख्याएं हो, 1 और 2, तो आप सीधे इसको भी उल्टा लिख सकते हो, इसका आंसर आएगा 7:5। कितना आएगा 7:5, इसको कटाओगे तो ये 7 बार में कटेगा और इसको कटाओगे तो ये 5 बार में कटेगा, 7:5 इसका आंसर आएगा।
दिक्कत तुमको कब आएगी, जब तुमको तीन नंबर से सामना हो जाएगा कि एक बटे दो और एक बटे तीन और एक बटे पांच का इनवर्स रेशियो निकालो तो फिर तुम फंस जाओगे। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भैया नीचे वाले का एलसीएम से तीनों को गुणा करना पड़ेगा, दो तीन पांच का एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 15 दूनी 30 आएगा, कितना आएगा 30, सारी संख्याओं को 30 से गुणा करेंगे, 1 बटे 2 गुणे 30 तो ये 15 आएगा, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, ये 10 आएगा और ये 6 आएगा, तो 15 10 6 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।